इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी द्वारा इस्तेमाल की जा रही एम्बुलेंस के मामले में बाराबंकी में अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी समेत दूसरी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। बाराबंकी की नगर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। एसपी बाराबंकी के निर्देश पर एम्बुलेंस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे पहले पंजाब में यूपी नंबर वाली प्राइवेट एम्बुलेंस के इस्तेमाल पर यूपी सरकार ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यूपी सरकार के मंत्री ने पंजाब सरकार के साथ साथ समाजवादी पार्टी पर भी मुख्तार अंसारी को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। साथ ही इस पूरे मामले की जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। मुख्तार अंसारी को जिस यूपी नंबर की बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस से मोहाली कोर्ट में पेश किया गया था, वो मऊ के अस्पताल के नाम पर रजिस्टर्ड है। एम्बुलेंस 2013 में मुख्तार अंसारी के प्रतिनिधि ने बाराबंकी में रजिस्टर कराई थी, लेकिन 2017 में ही फिटनेस खत्म होने के बाद भी ये एम्बुलेंस पंजाब कैसे पहुंची, अब ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए यूपी के किस टाइगर रिजर्व में लगी आग। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।